So, good morning guys, welcome back to another video. So guys, अभी जस्ट हम दोनों ना उठे ही है सुबह सुबह, अभी अराउंड 6 बज रहे होंगे. वैसे तो हमें थोड़ा जल्दी उठना था बट नहीं उठ पाए, 6 बजे उठे हैं. तो अभी जस्ट थोड़ा गर्म पानी वगैरह पी रहे हैं और फिर हमें निकलना है ऑफिस के लिए. आज ड्यूटी हमारी 7 बजे से, तो अब उठते हैं, रेडी होते हैं जल्दी जल्दी. मैंने तो शेव इसीलिए नाइट में ही कर ली थी, मैं कह सुबह यार फिर टाइम नहीं लगता, लेट हो जाते हैं वैसे ही. तो बस अब पानी वानी पीते हैं और चलते हैं. मैं आपको तैयार हूँ, मेरी बात नहीं जी अभी देखो कैसी लग रही है होती और फिर बाद में देखना कैसी लगती है बाकी. गाइस। अभी बहुत ज्यादा नींद आ रही है और मेरे को जो क्या ही बताऊँ, मेरी तो आंखों से आंसू आंसू आ रहे हैं। चलो गाइस आपको अब मिलते हैं रेडी होने के बाद. सो गाइस अब रेडी होके निकल चुके हैं. ये देखो वो भी भारती भी गुड रेडी हो मॉर्निंग चुकी है गाइस। और मैं भी रेडी हो चुका हूँ, जल्दी जल्दी तो अब फटाफट से निकलते नहा धो हैं. के रेडी हुए। सो गाइस अभी हम आधे रास्ते में तो पहुंच गए हैं, बाकी हम थोड़ा आराम आराम से ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास में, तो अभी हम चल रहे हैं। और सुबह सुबह का मौसम देखो आप, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मौसम थोड़ा सा खराब है क्योंकि बादल बादल से लग रहे हैं, है ना। हो सकता है आज मौसम थोड़ा खराब हो, बाकी देखते हैं। बाकी यार सुबह का जो मौसम होता है ना, वाह कितना सुंदर होता है। और यहाँ पे तो इतना घना जंगल है ना, ये देखो नीचे को भी और ऊपर को भी। बस अभी तो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ा सा आगे। लकू ड्राइव कर रहे हैं और मैं बैठी हूँ आराम से। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस, और यहाँ पे एक्चुअली हम ज़्यादा शूट नहीं कर सकते बिकॉज़ फ़ोन अलाउड नहीं है और कैमरास लगे हुए हैं यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा इश्यू आ जाता है. तो बाकी अभी ब्रेकफास्ट करने जाएंगे थोड़ी देर. तो फाइनली गाइस अभी हम ऑफिस से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने रूम। और बहुत लेट हो गया, अभी अगर टाइम बताऊं तो अभी 9 बज रहे हैं। हमारी शिफ्ट काफ़ी लंबी थी आज क्योंकि एक लड़का नहीं आया था, तो उसकी वजह से हमारे लंबी शिफ्ट थी। थोड़ा ज़्यादा काम था आज, तो इस वजह से थोड़ी शिफ्ट लंबी हो गई, अदरवाइज तो हम थोड़ा वैसे जल्दी फ्री हो जाते हैं. हाँ तो बस अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, अभी खाना भी बनाने को है तो उससे फिर। पहले गाइस हमें जाना है मार्केट कुछ एक आइटम्स लेने, खाने हाँ, पीने अगर के लिए मार्केट बंद ना हो गई हो, वैसे तो तो. नहीं होती है, 10 बजे ही होती है, पर चलो अभी चलते हैं। फिर आपको भी थोड़ा सा आगे नाइट का व्यू दिखा देती हूँ अगर कुछ दिखता है तो। तो कैसे हो आप सभी? तो मैं गुड आफ्टरनून इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने व्लॉग शुरू किया था पिछले कल और आज नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है। क्योंकि हम रात को, मैंने आपको बताया था ना, हम मार्केट जाना था हम लोगों को, तो फिर हम मार्केट गए, फिर हमने सामान लिया, फिर हम वापस रूम गए, फिर हमने खाना बनाया। उस करते करते हमारे को पता नहीं 11 ही बज गए थे, तो फिर इसलिए डिनर भी किया, तो फिर थक गए थे, फिर उसके बाद रेस्ट किया और सुबह जल्दी उठना था। फिर हम सुबह जल्दी उठ के झटपट से ही ऑफिस आ गए और अभी हमारी शिफ्ट खत्म हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं, अभी पता नहीं कहाँ जाते हैं। वैसे आज हमारी सुबह मॉर्निंग जल्दी शिफ्ट थी ना, तो हमारी इसलिए खत्म हो चुकी है अभी। और अभी हम जा रहे हैं, क्या पता घूमने ले जाए मुझे। हाँ तो फिर कहाँ लेके जा रहे हो आप मुझे? तो गाइस अभी मैं ले जा रहा हूँ अपनी मिसेस को घुमाने। अभी तक सर और मैम थे, अब मिसेज अभी हो गए। तक हाँ अभी तक हम सर और मैम थे और शी इज माई वाइफ तो मिसेज। तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं काली टिब्बा टेम्पल, तो मैंने सोचा चलो दिखा देता हूँ क्योंकि वो भी जहाँ पे हम वर्क करते हैं ना, वहाँ से काली टिब्बा टेम्पल बहुत ही नियर है, मतलब गाइस लाइक 1 किलोमीटर। हाँ मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा ना आगे की तरफ, तो ये देखो गाइस हाँ ये ऊपर वाला रोड है यहाँ ऑफिस से के ऊपर लिए, ऑफिस के लिए, और ये देखो गाइस हाँ काली
माता का टिब्बा और यहाँ से जाते हैं आगे 1.5 किलोमीटर। तो गाइज अब चलते हैं और एक यहाँ पे ना गाइज ये पॉइंट आता है मैगी पॉइंट और यहाँ से व्यू भी बहुत सही आता है। ये जो सामने है ना गाइज ये आप देख सकते हो यहाँ पे बाइक्स वाइक्स भी लगी है, लोग एंजॉय कर रहे हैं और ये आप व्यू चेक कर सकते हो यहाँ से। तो गाइज अभी कॉल आ गई थी और बुग्गू कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे आप? मैं कह रहा था गाइज कि जो ये सड़क है ना मंदिर तक के लिए काफी गड्ढे है गाइज, इसमें काफी ज्यादा गड्ढे है तो ना गाड़ी यूं ही हूँ इधर उधर। हाँ कैमरा भी हिल रहा है। और ये इतनी फेमस लोकेशन है सोलन डिस्ट्रिक्ट की, इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पे ना और इतनी मान्यता है इस मंदिर की। तो आजकल पेड़ों पे बरास के फूल भी लग चुके हैं क्योंकि बिशु आने वाला है। अगर पता होगा वैसे तो काफी सारे लोगों को कि बिशु क्यों मनाया जाता है, कैसे होता है, क्या क्या करते हैं उस टाइम पे। हाँ बैसाखी, वैसे बिशु भी तो जानते होंगे। बिशु हमारे पहाड़ी में बोलते हैं, बाकी तो उसमें हम क्या करते हैं ना, घरों में बरास के फूल होते हैं उसकी माला बनाते वो लगाते, तो इनमें लगते हैं वो बरास के फूल। तो ये पेड़ है इसमें पर है नहीं। ये गाइस हम पहुंच गए मंदिर के गेट में और ये मंदिर पहुंच गए और वाह देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल वाइट है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी जगह के बिल्कुल ऊपर दिख रहा है ऐसे आसमान, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा लगता है हेवन में पहुंच गए। टॉप टॉप पीक पे बना हुआ है मंदिर ना। हाँ तो हम पहुंच गए, अब यहाँ पे पार्क करेंगे गाड़ी। देखो यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे आप गाड़ी लगा सकते हो, उसके बाद आप दर्शन करने जा सकते हो। और देखो यहाँ पे लगी भी इतनी सारी गाड़ियाँ, तो बस अब हम जाते हैं उसके बाद आपको भी थोड़ा बहुत दिखाते हैं, व्यू दिखाते हैं यहाँ से कैसा है। क्यों बिल्कुल गाइस अभी टॉप से व्यू दिखाएंगे, तो टॉप से तो गाइस इतना अमेजिंग व्यू आता है ना, तो चलते हैं अब और आपको दिखाते हैं व्यू। या कृपया सफाई का ध्यान रखें, जूते यहाँ उतारे आप उतारे नहीं गाइस जूते। यहाँ पे हम शूज खोलेंगे। हाय ये चीज़ ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है जो ये बना है ना यहाँ पे, देखो कितना सुंदर है। अंदर का तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते हैं तो बस यहीं से बाहर बाहर का दर्शन वैसे हो जाएंगे गाइस आपको। हाँ कोशिश करते हैं कि इतना जूम तो नहीं होगा ना, अंधेरा है वहाँ से वो रोशनी आ रही है। नहीं शिव जी का मंदिर, यहाँ पे शिवलिंग लगा है और वो देख सकते हो आप शिवलिंग। तो गाइस आपको मैं यहाँ से व्यू दिखा देती हूँ एक बार, ये आप देखो कितना सुंदर है। एक तो यहाँ पे हम काफी ज्यादा हाइट में है ना और बिल्कुल यहाँ पे ऊपर से सूरज की किरणें आ रही है तो इसलिए ना अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, अगर मतलब जैसे फोन में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है जितना रियलिटी में दिख रहा है ना, फोन में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं होता जितना रियलिटी में दिख रहा है। गाइस काली टिकवा टेंपल और ये टॉप पीक पे बना है, तो अगर आप आना तो आप शिमला से भी आ सकते हैं और सोलन से भी। ये आप लोग चेक कर सकते हो गाइस व्यू, ये नीचे मेन एंट्री गेट है, यहाँ से आप अंदर आ सकते हो। जंगल ही जंगल है और ये सामने जंगल है गाइस, और वहाँ सामने है गाइस हमारा ऑफिस, वो वहाँ सामने, ये देखो जूम करके दिखाती हूँ इतना ही जूम हो पाएगा, वो सामने वहाँ पे।
बस। और यहाँ पे मंदिर है, काली माता का मंदिर है और साथ में शिव जी का भी मंदिर है। यहाँ पे गाइस शिव जी का मंदिर भी है, हनुमान जी भी है, गणेश जी भी है और लक्ष्मी जी का मंदिर भी आपको देखने को। ये है गाइस छोटी सी गणपति की मूर्ति यहाँ पे। तो गाइस हम दोनों ने मंदिर के दर्शन कर लिए हुए हैं और लो बैटरी, और फोन में बैटरी भी बहुत कम है। और अब हम वापस जा रहे हैं अपने रूम की तरफ को। तो बस अभी आपको दिखाते हैं थोड़ा आगे अभी तो जी। हाँ, क्योंकि वैसे तो हमारी नाइट शिफ्ट ही होती है तो हम कुछ दिखा नहीं पाते। आज हम थोड़ा बहुत दिखाएंगे आपको जाते हुए। मैंने चेंज भी कर लिया है और अभी ना क्या बोलते हैं थोड़े से कपड़े धोने को थे काफ़ी टाइम से, क्योंकि हमारी शिफ्ट नाइट में होती थी और फिर सुबह भी कभी जल्दी निकलना पड़ता था तो टाइम ही नहीं लगता था कपड़े कुपड़े धोने का। काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे, ड्रेस तो इतनी गंदी हो गई थी ना। तो बस अभी वो मैंने ड्रिप करके रखी है पानी में। और पीछे है बुक्कू, ये बना रहे हैं पास्ता क्योंकि काफ़ी भूख भी लग गई थी आते हुए, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत कुछ खा ही लेते हैं। तो हमारे पास पास्ता पड़ा हुआ था तो बस अभी हम पास्ता बना रहे हैं, फिर उसके बाद इसको खाते हैं। मैं भी थोड़े बहुत कपड़े जो मैंने ड्रिप करे उसको वॉश कर लेती हूँ। और गाइस हमने कुछ ऑर्डर किया था ऑनलाइन तो हमें उसकी अभी अनबॉक्सिंग भी करनी है। वो हम तभी करेंगे जब हमारा पास्ता बन जाएगा ना। हाँ, उस टाइम करेंगे। बाकी अभी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, ये भी पास्ता बना लेंगे तब तक, और मैं भी कपड़े वॉश कर लूँगी तब तक। तो ठीक है, फिर आपको बाद में मिलते हैं। तो गाइस अभी कपड़े धो के भी फ्री हो चुके हैं और ये मैंने यहाँ पे बालकनी में कपड़े डाल दिए। पता नहीं सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे, वैसे तो धूप लगी है बट पता नहीं जाने वाली है, बस अब सूख जानी चाहिए कल तक तो। और बुग्गू ने पास्ता भी बना दिया है, दिखाती हूँ आपको। अभी मैंने खाया नहीं है, बस देखते हैं कैसे बनागा। वैसे तो थोड़ा ड्राई सा ही है और फिर भी मैं सोच रही थी ग्रेवी वाला बनने का। चलो खाते हैं, देखने में तो अच्छा लग रहा है, टेस्ट करके देखते हैं कैसा होगा। तो जी ये है पास्ता जो कि मेरे शेफ ने बनाया है, और खा के देखते हैं कैसा बना है। तो मैं देखती हूँ कैसा बना है, ट्राई करते हैं ज़रा। अच्छा बना है, बस क्या बोलते हैं, मतलब वैसा ग्रेवी वाला नहीं है, पर टेस्टी है। सॉस हमारे पास गए, सॉस नहीं था ना तो इस वजह से हम बना था सॉस, लेकिन सॉस तो था गाइस लेकिन हमारे पास ना वो छोटा वाला बॉक्स था तो फिर मैंने थोड़ा सा ही यूज किया। मैं के ट्राई बना लेता हूँ, फिर बीच में और बनाना होगा तो फिर यूज कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब हम शिमला जाएंगे तो फिर देखेंगे वहां से और ले आएंगे, बिकॉज मेरी ये क्यूट सी वाइफ को पास्ता बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। सो वो देखो गैस बुक्कू खा रही है। गैस एक चीज बता रहा था मैं कि मेरी ये क्यूट सी वाइफी को पास्ता बहुत ज्यादा पसंद है, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊंगा ना तो जैसे चाहते हैं ग्रेवी वाला वैसा बनाऊंगा। ये तो जस्ट हमने अभी ऐसे एज अ स्नैक्स बना दिया, इन्होंने इसमें सॉस कम डाला जो हमारे पास में कौन सा सॉस था, पिज्जा पास्ता सॉस था, ये कम डाला इन्होंने और अभी हमने इसमें ऐड किया ना। अब देखो इसमें कैसा, इसमें अब इन्होंने मेयोनीज डाली है और सॉस एक्स्ट्रा डाली, फिर अब बहुत टेस्टी लग रहा है मुझे। अब यम्मी हो गया ये। चलो अभी हम इसको खाते हैं। खाओ तो मेरा तो कुछ ज्यादा ये नहीं हुआ। वाह गाइस क्रीमी क्रीमी हो गया मेयोनीज के साथ ना, तो अभी खा लेते हैं। सो गाइस जस्ट अभी निकले ही थे रूम से बाहर कुछ काम से, मार्केट की तरफ जा रहे थे, तो वो देखो सामने गाइस क्या व्यू दिख रहा है यार।
सनसेट हो रहा है और इतना अमेजिंग लग रहा है। जो हम रियलिटी में देखते हैं फोन पे पता नहीं वो चीज एक्सपीरियंस हो पाती है कि नहीं, मतलब लेकिन अगर सनसेट व्यू हो ना कहीं का तो यहाँ से भी बहुत सही सनसेट व्यू आ रहा है। यहाँ से मतलब एकदम शेड्स दिख रही है पहाड़ियों की, इसमें तो नहीं दिख रही, कम से कम ये 4-5 पहाड़ियाँ, उसके पीछे सूरज है और वो भी अभी काफी ऊपर है ये। चलो ठीक है गाइस। क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? अडैप्टर था यहाँ पे, कहाँ गया अडैप्टर? हाँ ये जो है अब एयरबड्स का है, वो है उधर पार रखे हुए। अपनी चीजों का पता ही नहीं होता है, इसीलिए तो शादी की थी। हाँ हाँ अच्छा, ताकि मेरी वाइफ मुझे ढूंढ के दिया जाए। देख रहे हो ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। अभी अभी हम वापस पहुंचे शॉप से और हम कुछ ये खाने पीने का सामान लेके आए। ये मैं अपने लिए लेके आई, बाकी एक बिस्किट लेके आए। बस बस सब डिनर की तैयारी करते हैं, डिनर बनाते खाने के लिए। तो डिनर में आज हम दाल और राइस ही बनाएंगे, दाल है और राइस हो गया है ना, दाल बना रहे हैं ना आज तो। काली चने की दाल और राइस। बाकी खाने पीने के लिए तो हमने छोटा मोटा सामान लाया था, ऐसे ही गए थे हम थोड़ा बहुत। हमारे को थोड़ा सा काम भी था वैसे तो मार्केट में, बट वो तो हो नहीं पाया। बाकी गाड़ी में तेल डलवाना था, क्योंकि यहाँ पे ना जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पे एक ही पेट्रोल पंप है और उसमें कभी भी तेल ख़त्म हो जाता है, तो फिर ऐसी ज़रूरत पड़ती है हमारे को तो आने जाने के लिए। गाड़ी में तेल तो होना ही चाहिए, बाकी थोड़ा कम था तो इसलिए तेल डाल दिया। वैसे अभी हम बैठे हैं और लकू कर रहे हैं डिनर की तैयारी, और मैं थोड़ी देर ये पीती हूँ, फिर उसके बाद मैं भी इनकी हेल्प करती हूँ, और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने क्या ऑर्डर किया है। तो गाइस हमारा एक पार्सल आया था जैसे हमने आपको बताया था, तो हमने ये पार्सल मीशो से ऑर्डर किया करा है, ये हम आपको बताते हैं। और इसमें हमने ना एक अंगीरा मंगवाई है, कौन सा अंगीरा? एक शॉर्ट रैक टाइप होती है जिसको पार्ट्स में अभी जोड़ेंगे और फिर वो मिनी रैक बन जाएगी। ये मैंने अभी काटा था वो जी। तो अब करते हैं गाइस इसकी अनबॉक्सिंग। हाँ कैसा है अभी तक मैंने भी नहीं देखा है कि ये, प्रोसीजर भी नहीं पता है गाइस कैसे क्या जोड़ना है इसको। अब देखेंगे कुछ क्या बनता है इसका, तो देखते हैं क्या क्या निकलता है। ये इसमें कुछ पाइपें है, ये है गाइस कुछ ये प्लास्टिक की कुछ पाइप्स है और ये इनको कनेक्ट करेंगे, और ये आई थिंक नट्स जो इसमें लगेंगे इसको शेप देने के लिए। और ये है गाइस इसका कवर। तो ये ना गाइस देखो कुछ इस तरह का इसका डिजाइन रहेगा, यू नो ये कुछ मतलब इस तरह की बनेगी। सॉरी मैंने उल्टा पकड़ा है, तो इस तरह की रैक बनेगी ये। तो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है, करते हैं इसको जोड़ते हैं कोशिश करते हैं। तो गाइस अभी हमने इसकी अनबॉक्सिंग तो कर दी है, अब हम इसको जोड़ते भी है। मुझे तो लगता है आज हमारी पूरी रात इसी में लगने वाली है, क्योंकि आइडिया नहीं अभी कैसे जोड़ना है कैसे क्या कौन सा पार्ट कहां जोड़ना है, ये पता नहीं क्या क्या इतने है। सारे वो है तो कोशिश करेंगे। पाइप भी ना अलग अलग है, पता नहीं कैसे कैसे जुड़ेगा ये, तो उसको अभी जोड़ते हैं। बाकी इस ब्लॉग का एंड भी यही करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करना। और गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस।